हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से ये क्वांटिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में खाली मैं पहले तीन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा, और मेरे अगले वीडियो में बाकी की चार क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने ये प्लान लिया वाला है, इसमें ये प्लान लिया है, और मैंने इसकी पूरी एक्सकेवेशन पीसीसी इन फाउंडेशन एंड यूसीआर इसकी क्वांटिटीज निकाल के आपको दिखाऊंगा। इसकी जो डायमेंशन है 3x4, किचन का डायमेंशन है 3.5x4, ये बेड का डायमेंशन है, और लिविंग रूम का डायमेंशन है 4x3.5, और इधर विंडोज के डायमेंशन दिए 1x1.2 मीटर, और डोर के डायमेंशन दिए 0.3x2.1 मीटर। ये जो ये प्लान है और ये सेक्शन है, सेक्शन में ये जो फुटिंग है स्टेप फुटिंग है, और इसके पूरे डायमेंशन है, और इस वॉल की जो थिकनेस है वो इसमें लिए 0.25 मीटर थिक, और जो हाइट है फ्लोर टू फ्लोर वो है 3 मीटर। और इससे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सकेवेशन और बाकी की क्वांटिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद ये जो प्लान आपने लिया है इसका रफ प्लान मैंने इधर ये बनाया है, और इसके जो डायमेंशन है ये पूरे वो इस प्लान के सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है। ये पूरे डायमेंशन इस प्लान के सेंटर टू सेंटर लिए वाले हैं मैंने, और मैंने जो मेरे पिछले वीडियो में बताया था जो लॉन्गेस्ट वॉल होगी उसको लॉन्ग वॉल कर कंसिडर करना है, और जो शॉर्टेस्ट वॉल है उसको शॉर्ट वॉल कंसिडर करना है। अगर आप ये वॉल लॉन्ग कंसिडर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन 4 है और इसका डायमेंशन 3.5 है, इसलिए आपको कंसिडर करना होगा ये जो टोटल लेंथ है वो आपको लॉन्ग वॉल करके कंसिडर करना होगा, और इसमें लॉन्ग वॉल करके कंसिडर करना होगा। जो जिसमें आएगी जो L1 होगा, मतलब ये जो लेंथ होगी वो पूरी वो होगी 6.96 मीटर, और जो इसके जो वॉल है वो है 2 वॉल्स, 1 और 2, इसके लिए इसके आएंगे 2 नंबर्स। और L2 होगा वो होगा 4.23 मीटर, और इसके नंबर ऑफ वॉल आएंगे 1। और S1 जो होगा वो होगा 4.23 मीटर, लेकिन इसके जो वॉल आएंगे 1, 2, 3। और S2 जो होगा वो होगा 3.73 मीटर, और इसके जो वॉल आएंगे वो आएंगे 2। इन लेंथ ऑफ ये हो गए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, इससे एक्सकेवेशन और अदर क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं मैं ये बताऊंगा। सबसे पहले अर्थवर्क इन फाउंडेशन, इसलिए आपको सबसे L1 जो लेना होगा, और L1 लेने के बाद जो आपके नंबर L1 आपका कितना है 6.96 मीटर, लेकिन इसमें +1 करने पे आता हुआ आता है 7.96 मीटर। ये +1 क्यों किया है, क्योंकि जो विड्थ है आपकी एक्सकेवेशन की वो 1 मीटर है, इसलिए +1 किया है। और आपके जो वॉल है नंबर ऑफ वॉल वो 2 है, L1 जो है आपके 2 है, इसलिए L 7.96, और उसका जो B होगा मतलब विड्थ, वो जो विड्थ है वो विड्थ 1 मीटर, और जो हाइट है टोटल हाइट, ये जो ग्राउंड की टोटल हाइट है वो जो है वो है 1.2 मीटर, इसलिए 1.2 मीटर। पूरे क्वांटिटी निकालने के बाद ये आएगा 19.104 क्यूबिक मीटर। और उसके बाद वैसे ही L2 का करना है 4.32 + 1, ये आएगा 5.23, और इसका जो वॉल है नंबर ऑफ वॉल वो एक ही है, इसलिए 5.23 × 1 × 1.2 जो इसकी हाइट है, इसकी जो क्वांटिटी आएंगे वो होगी 6.276। और इसके बाद S1 करना है शॉर्ट वॉल के लिए, लेकिन जो शॉर्ट वॉल
कंसिडर करने के लिए आप जो लेंथ लेते हैं उसमें से आप वो विड्थ माइनस करते हैं। खाली ये याद रखना है आपको। सो इसलिए 4.23 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ये गया 3.23 और नंबर ऑफ जो वॉल्स जो है वो इसकी 3 है, इसलिए 3 और इसलिए गए 3.23 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ये आएगा 11.628 मीटर। और उसके बाद वैसे ही S2 निकालना है, वो भी S2 माइनस करना है, उसके बाद नंबर ऑफ वॉल जो S2 के होंगे वो 2 है, इसलिए 2.73 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 जो आएगा 6.552 मीटर। और जो टोटल क्वांटिटी होंगी वो आएंगी 43.560 मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। वैसे ही आपको जो एक्सकर्शन फाइंड करने के लिए आपको इसके बाद आपको फाइंड करना है पीसीसी, जो ये पार्ट है सबसे नीचे वाला, इस पार्ट में खाली इतना ही चेंज होगा। इसमें जो पीसीसी आप कैलकुलेट करके उसके टाइम जो आपको L1 2 है, L2 2 है, S1 3 है और S2 3 है, जो उसकी लेंथ होगी वो भी 7.96 ही होगी, क्योंकि जो आप पीसीसी कर रहे हो एट द बॉटम कर रहे हो और उसकी जो विड्थ है 1 मीटर है। इसलिए खाली इतनी इस क्वांटिटीज में इतना चेंज आएगा, खाली इस हाइट का चेंज आएगा क्योंकि वो हाइट है 0.15 मीटर। उसके बाद ये वैल्यूज लिखने की बात होगी 2.388, 0.785 और 1.454, 0.189 और वो जो टोटल क्वांटिटी आई हुआ है 5.445 मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। इस तरह ये जो क्वांटिटीज है मैंने वो फाइंड आउट किए, आप भी इस तरह बाकी की क्वांटिटीज फाइंड करते। उसके बाद मैं बताऊंगा यूसीआर, जो आपने ये यूसीआर फाइंड करना है, ये यूसीआर 3 स्टेप में, क्योंकि इसके जो विड्थ है वो अलग अलग है, इसके लिए आपको इसको 3 स्टेप में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लेंगे, हम लेंगे ये स्टेप। स्टेप फर्स्ट, जो L1 है आपका वो है, जो L1 है आपका वो है 6.96 मीटर। इसमें 6.96 प्लस 0.75 ऐड करना है, क्योंकि जो विड्थ है इस पहले स्टेप की वो 0.75, इसलिए इसको पहले सबसे पहले इसको ऐड करना है। और आपकी जो नंबर ऑफ वॉल है लॉन्ग वॉल L1 वो 2 है, ये होगा 7.71, जो उसकी विड्थ है वो 0.75 और जो इसकी हाइट होगी डेप्थ, मतलब ये हाइट इधर से इधर तक वो हाइट है 0.4, तो इसकी क्वांटिटी है 4.626। और वैसे ही L2 के लिए 4.23 प्लस 0.74 4.98, तो इसके नंबर ऑफ वॉल 1 है, इसलिए 4.98 मल्टीप्लाई बाय 0.74 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इसकी क्वांटिटी है 1.495। वैसे ही खाली S1 में इतना करना है कि आपको जो इस L1 और L2 में जो आपने प्लस किया है उसको खाली इधर माइनस करना है, तो नंबर ऑफ वॉल जो S1 की है वो 3, तो L1 आएगा 3.48, B 0.75, 0.4 और 3.132 कैलकुलेट करने के बाद। उसके बाद S2 में खाए वैसे ही करना है, उसमें 0.75 माइनस करना है, उसके बाद वो आएगा 2.98, तो इसलिए नंबर ऑफ वॉल 2.98 0.75 मल्टीप्लाई 0.4 हो जाएगा 1.8788, तो उसके आई क्वांटिटी 11.040 मीटर क्यूब। वैसे आपको जो करना है वो आपको लिए स्टेप 2 को करना है, खाली इसमें इतना चेंज होगा कि आप जब जहां भी 0.75 रखते वहां पे प्लस और माइनस करने के लिए 0.6 रखना है। तो L1 के लिए 6.96 जो आपने निकाला है प्लस 0.6 वो आएगा 7.56 और जो नंबर ऑफ वॉल है 2, खाली आपको यहाँ पे करना है 0.8 जो होगी वो आएगी 0.6 और जो उसकी डेप्थ है वो जो डेप्थ है उसकी डेप्थ इसकी डेप्थ वो जो डेप्थ आएगी 0.55 मीटर। ऐसे आपको फिर उसके बाद ये पूरे क्वांटिटी वैसे फाइंड आउट करना है, खाली इसमें 0.6 माइनस करना है इस दोनों में और इसमें 0.6 ऐड करके इसकी हाइट 0.55 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद ये क्वांटिटी आ गई 12.243 क्यूबिक मीटर। और इसके बाद जो स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, वो आपको निकालनी है।
जो लास्ट स्टेप है खाली इसमें भी इतना चेंज होगा जो इस आपको सिर्फ इस ये यूसीआर निकालना है, इसलिए इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 0.45 मीटर और उसकी जो हाइट होगी वो होगी 0.85 मीटर, क्योंकि 0.1 से इसकी ऊपर इधर यूसीआर नहीं है, 0.1 प्लस 0.75 ये आएगा 0.85। सबसे पहले आपको L1 निकालने के लिए 6.96 प्लस 0.485 करना है, 0.85 करना है, उसके बाद जो आएगा वो आएगा 0.0 आपको इसमें 6.96 प्लस 0.45 करके जो आएगा विड्थ आएगी, और जो विड्थ की होगी वो 7.41 जो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब जो नंबर ऑफ वॉल होंगे, इसके बाद 7.42 मल्टीप्लाई 0.45 जो इसकी विड्थ है और 0.85 जो इसकी डेप्थ है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो जाएगा 5.669 क्यूबिक मीटर। और उसके पास L2 भी वैसे ही फाइंड आउट करना है, खाली इसमें ऐड करना है, और उसके बाद 4.68 इंटू 0.45 इंटू 0.85 जो 1.790। उसके बाद S2 फाइंड करने के लिए आपको खाली इसमें से इसको माइनस 0.45 को माइनस करना है, S1 की आपकी जो वॉल है वो है 3, जो से ऐसे ही उसको 3.78 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई 0.85 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 4.338। उसके बाद वैसे ही S2 में से 0.45 माइनस करके ये कैलकुलेट करते, टोटल आई 14.03 मीटर 6 क्यूबिक मीटर, जो ये टोटल जो टोटल यूसीआर है स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 ये जो आई है वो है 37.589 क्यूबिक मीटर।